भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पिंक बॉल टेस्ट मैच बेहद इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। जी हाँ, बता दें आपको कि भारतीय टीम ने 112 रनों पर अंग्रेजों की पारी को समाप्त कर दिया है। इंग्लिश टीम आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का गौरव भी हासिल कर चुकी थी, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों की फिरकी में जमकर आज नाचे अंग्रेज बल्लेबाज और महज 112 रनों पर सिमट कर रह गई अंग्रेजों की टीम। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर टीम इंडिया फिलहाल सपर का सेशन होने तक, यानी कि सेकंड सेशन पूरा होने तक 5 रन बिना किसी नुकसान के बना चुकी है। हालांकि 5 रन देखने में ज़रूर कम लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम को यहां पर 5 ओवर भी निकालने पड़े हैं। हालांकि भारतीय टीम को इस बात का फ़ायदा भी ज़रूर मिला। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस मैच में अब अंडर टॉयलेट बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा, लेकिन रोहित और शुभमन फिलहाल क्रीज पर डटे हुए हैं। लेकिन भारतीय पारी के दूसरे ओवर में एक बार फिर अंग्रेज़ों ने चीटिंग की है। जी हाँ, बेन स्टोक्स ने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर एक कैच लपका और कैच लपकने के बाद यहाँ पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि भारतीय टीम यहाँ पर उनको पहला झटका लग गया है, लेकिन भारतीय टीम के साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ। जिसके बाद थर्ड एम्पायर ने इस डिसीज़न को जब देखा और जब कैच को देखा गया तो साफ तौर पर बेन स्टोक्स जो हैं वो गलत पाए गए और उन्होंने भारतीय टीम के साथ चीटिंग की, जिसके बाद अंग्रेज़ों की एक बार फिर नाक कटी और एक बार फिर अंग्रेज़ों की बेईमानी दुनिया के सामने उजागर हुई। हालांकि कप्तान जो रूट इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि थर्ड एम्पायर ने पूरे फ्रेम नहीं देखे। हालांकि अमूमन प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है, हालांकि मिल चुका था कंक्लूजन। इस पर क्यों चर्चाएं हो रही हैं ये थोड़ा सा समझ से परे है, लेकिन भारतीय टीम के साथ काफी चीटिंग हुई। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।